पीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के वॉइस यानी टाइप्स ऑफ वॉइस की, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं और ट्राई स्क्वायर के बारे में, आइए हम इसे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है टाइप्स ऑफ वॉइस में सबसे पहला है क्विक रिलीज वॉइस यानी कि शीघ्रता से खुलने वाले वॉइस। यह देखिए यह साधारण बेंच वॉइस की तरह होता है लेकिन इसके चल जबड़े मूवेबल जा को खोलने के लिए एक लीवर या ट्रिगर का प्रयोग किया जाता है। यदि चल जबड़े के सामने लगे ट्रिगर को दबा दिया जाए तो वह नट को अलग कर देता है, जिससे शीघ्रता से स्क्रू और चल जबड़े को किसी निश्चित स्थान पर सेट किया जाता है। देखिए बिल्कुल ही सिंपल बेंच वॉइस की तरफ होता है लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि यहाँ पर एक क्विक रिलीज लीवर लगा हुआ होता है। क्विक रिलीज लीवर लगे होने के कारण इसे शीघ्रता से खोलने में आसानी होती है। बाकी इसका जो सारा बनावट है, इसका कंस्ट्रक्शन है सिंपल बेंच वॉइस की तरह ही है। देखिए इसमें यह क्या होता है, यह मूवेबल जा होता है या फिक्स जा होता है, यह क्या है, यह दोनों जा प्लेट्स हैं, यह इसकी बॉडी है, इसकी गाइड है, इसके अंदर कौन सी थ्रेड कटी होती है, स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, यह इसका हैंडल है, यहाँ पे स्पिंडल है, बाकी सारी बनावट वही है। बस आपको चित्र में ध्यान देना है कि बेंच वॉइस और क्विक रिलीज बेंच वॉइस में अंतर क्या होता है। यहाँ पर एक क्विक रिलीज लीवर लगा होता है, बस अंतर इतना ही है। अभी वर्क पीस को पकड़ेगा, इस पर भी विभिन्न प्रकार की वर्क पीस को पकड़ने के बाद विभिन्न ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा दिया हुआ है पाइप वॉइस। पाइप वॉइस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पाइप वॉइस का इस्तेमाल धातु की गोल काट यानी कि राउंड सेक्शन ट्यूब तथा पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस वॉइस में स्क्रू ऊर्ध्वाधर तथा चलने योग्य होता है, जबड़ा ऊर्ध्वाधर कार्य करता है। यह देखिए यह जो चित्र दिखाया गया है यह किसका चित्र है, यह जो चित्र है पाइप वॉइस का है। पाइप वॉइस का काम क्या होता है, यहाँ पर देखिए यह जो इसका है इसका अपर जा है यानी कि यह क्या करेगा, मूव करेगा, या लोअर जा है, लोअर जा जो रहेगा कि फिक्स रहेगा। ऊपर हैंडल है, हैंडल से हम इसको मतलब वर्टिकली ऊपर नीचे कर सकते हैं मूवेबल जा को यानी कि अपर जा को। और यह जो है सिलेंड्रिकल वर्क पीस यानी गोल वर्क पीस को पकड़ने का कार्य करता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है पाइप वॉइस में, पाइप वॉइस में पूछा जाता है पाइप वॉइस का इस्तेमाल किस प्रकार के कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो पाइप वॉइस का जो इस्तेमाल किया जाता है कि गोल जाब को यानी कि राउंड सेक्शन ट्यूब को या पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तथा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी बात यह है कि पाइप वॉइस कार्य के सतह को कितने बिंदुओं पर पकड़ता है, तो यह पूछता है तो कितने बिंदुओं पे हो जाएगा, चार बिंदुओं पर पकड़ता है। दो इम्पॉर्टेंट है इसमें चीज़ में पाइप वॉइस में, पाइप वॉइस में क्या है, सबसे पहला कि किस प्रकार के जाब्स को होल्ड करेगा यानी कि सिलेंड्रिकल जाब को यानी गोलाकार जाब को पकड़ेगा तथा कितने बिंदुओं पे पकड़ता है, चार बिंदुओं पर पकड़ता है। अगला जो वॉइस है, अगला वॉइस जो है हमारा हैंड वॉइस है, हैंड वॉइस अगला जो है हमारा हैंड वॉइस है। हैंड वॉइस क्या होता है, हैंड वॉइस को हिंदी में हम दस्ती वॉइस कहते हैं। दस्ती वॉइस को इस्तेमाल स्क्रू रिवेट चाबी छोटी ड्रिल तथा अन्य छोटी वस्तुओं को पकड़ने में किया जाता है, जिन्हें बेंच वॉइस में पकड़ना कठिन होता है। दस्ती वॉइस विभिन्न प्रकार के साइज में मिलते हैं, लंबाई 125 से 150 mm तथा जबड़े की चौड़ाई 40 से 44 तक होती है। स्क्रू पर विंग नट लगाकर जबड़े को खोला या बंद किया जा सकता है। नट को वॉइस की एक टांग में लगाकर दूसरी से निकालते हुए लगाया जाता है। इसमें देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह देखिए चित्र जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चित्र उसका, यह जो है हैंड वॉइस का चित्र है। पूछा जाता है हैंड वॉइस में क्या कौन सा नट का इस्तेमाल करते हैं, तो हैंड वॉइस में हम विंग नट का इस्तेमाल करते हैं। हैंड यह ही जो है विंग नट यानी विंग नट को हाथ से खोला और कसा जाता है। विंग नट का इस्तेमाल और कहाँ होता है, विंग नट का इस्तेमाल जो होता है हेक्सा ब्लेड में किया जाता है, हेक्सा फ्रेम में हेक्सा ब्लेड को लगाकर कसने के लिए। तो इसमें ये होता है बहुत छोटी वस्तुओं को पकड़ना है अगर हमें, जैसे रिवेट चाबी, तो इस छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैंड वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। इसके चित्र को ध्यान से देख लीजिए, अगर कहीं आप ताले की मरम्मत करवाना चाहते हैं या कोई चाबी बनवाना चाहते हैं तो घड़ी साज क्या करता है, हैंड वॉइस में जो चाबी बनाता है हैंड वॉइस में पकड़कर चाबी की फाइलिंग करके उसको बनाकर आपको दे देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यही जो है हमारा हैंड वॉइस का फिगर है और इसमें इसका मुख्य काम क्या होता है, स्क्रू रिवेट चाबी आदि को पकड़ने के लिए। तथा एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इसमें कौन से नट का इस्तेमाल होता है, तो इसमें विंग नट का इस्तेमाल होता है। अगला वॉइस है हमारा
पिन वाइस का इस्तेमाल छोटे व्यास जाब कार्य को पकड़ने में किया जाता है, जिसे हैंडल तथा दूसरे सिरे पर छोटा कोलेट चक लगा होता है। चक में लगे जबड़े को सेट कर हैंडल द्वारा घुमाकर संचालित किया जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग आप देखे होंगे घड़ी साज में होता है, यानी कि घड़ी की दुकानों पर जब छोटी छोटी पतली महीन वस्तुओं को उठाना होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है पिन वाइस का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है घड़ी साज में किस वाइस का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी साज में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पिन वाइस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बहुत छोटी यानी महीन वस्तुओं को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, पिन वाइस का इस्तेमाल होता है। अगला हमारा जो वाइस है टूल मेकर्स वाइस, इसका प्रयोग छोटे जाप कार्य को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिस पर ड्रिलिंग अथवा रेतने का कार्य करना हो तथा समतल प्लेट पर छोटे जाप को चिन्हन में टूल मेकर्स वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यह MES यानी कि माइल्ड स्टील का बना होता है। टूल मेकर्स वाइस को प्रसिद्ध रूप में मशीनन किया जाता है। यह अभी बिल्कुल किसकी तरह है, पिन वाइस की तरह है। इसका भी काम क्या है, इसका जब यह आपसे एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें किसी जाब छोटे छोटा वर्क पीस है और उस पर हमें ड्रिलिंग करना है या फाइलिंग करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, टूल मेकर्स वाइस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा टूल मेकर्स वाइस से कुछ नहीं पूछा गया है, बस यही पूछा गया है कि छोटे जाब कार्यखंड को पकड़ने के लिए जिस पर ड्रिलिंग यानी कि ड्रिलिंग और फाइलिंग करना है उस पर कौन से वाइस का इस्तेमाल करेंगे, टूल मेकर्स वाइस का इस्तेमाल करेंगे। अगला है हमारा लेग वाइस, यह एक होल्डिंग डिवाइस है जिसमें फोर्जन शाखा में बेंडिंग अथवा फोर्जिंग कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रहार करते समय टूटने से बचाने के लिए इसे मृदु इस्पात का बनाया जाता है। यह देखिए हमारा यह क्या था, हमारा यह जो था हमारा चित्र नंबर 5 किसके लिए है, चित्र नंबर 5 यह टूल मेकर्स वाइस है, टूल मेकर्स वाइस। यह देखिए उसके बाद हमने लेग वाइज की चर्चा की थी। लेग वाइज इसका जैसे कि फोर्जिंग शॉप में यानी गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए लेग वाइज का क्या करते हैं, देखिए यह जो चित्र है यह लेग वाइज का है। लेग वाइज को हम बेंच वाइज पे फिट कर देते हैं उसके बाद पकड़ते हैं। लेग वाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है लेग वाइज का जो वेवल जा होता है वो किस तरह मूव करता है, वो गोलाकार में खुलता है, यहाँ पर एक क्विक रिलीज वाइस की तरह लगा होता है तो इसलिए गोलाकार में वस्तुओं को खोलता है। इसके देखिए प्रमुख पार्ट्स जो हैं, सबसे पहला पार्ट क्या है, ए वाला क्या कह सकते हैं, ए वाला क्या है सॉलिड जा, यानी यह क्या है ए वाला वन वाला क्या हो जाएगा, यही फिक्स जा हो जाएगा। दूसरा वाला क्या करेगा, यह क्या हो जाएगा मूवेबल जा हो जाएगा, यानी कि यह मूव करेगा दो नंबर वाला, ठीक। तीसरा नंबर जो पीछे नट लगा हुआ है वह क्या है, यह चूड़ीदार जबड़ा है, यह तीन नंबर वाला क्या है चूड़ीदार जबड़ा। चार नंबर वाला क्या है, चार नंबर वाला स्पिंडल है, चार नंबर में क्या लगा हुआ है स्पिंडल, इसके नीचे क्या है यह हैंडल है। स्पिंडल के बाद चार नंबर के बाद पाँच नंबर में क्या दिया हुआ है, पाँच नंबर में स्प्रिंग लगी हुई है। इसी स्प्रिंग के कारण क्या होता है, इसी स्प्रिंग के कारण जो लेग वाइस होता है गोलाकार में खुलता है। छः नंबर में क्या है, यह एक पीवेट है, पीवेट लगा हुआ है। सात नंबर में क्या है, यह इसकी लेग है यानी कि इसकी टांग है। आठ नंबर में क्या हुआ है, क्लैंप है। यही है हमारा लेग वाइस। अब लेग वाइस के बारे में देखिए, चूंकि हिंज जबड़े से जबड़ा त्रिज्यीय पथ में चलता है इसलिए वाइस में लगे जाप का रेखीय संपर्क से के कारण ठीक से पकड़ नहीं सकता, इसलिए बेंच वाइस में पकड़ने के लिए जाप की टांग वाइस में नहीं पकड़ा जा सकता है, केवल हैमरिंग के लिए जाप को टांग वाइस में पकड़ा जाता है। यानी कि जब हमें हैमरिंग करना हो यानी हैमर से चोट करना हो या गोलाकार में वस्तुओं को पकड़ता है इसलिए इसकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। इसलिए अगर हमें ऐसी वस्तुओं पर जैसे जिस पे हैमर से हमें प्रहार करना है, बाल पिन हैमर हुआ, स्लेज हैमर हुआ या क्रैश पिन हैमर हुआ, जहाँ पे हैमर से हमें प्रहार करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लेग वाइस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें मान लीजिए कि कोई ये छोटे जाब को कार्यखंड को पकड़ना है जिस पे ड्रिलिंग और रेतने का काम करना है यानी ड्रिलिंग और फाइलिंग का, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, टूल मेकर्स वाइस का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी साज में किसका इस्तेमाल होता है, पिन वाइस का इस्तेमाल होता है। हैंड वाइस क्या करता है, छोटी वस्तुओं जैसे कि स्क्रू रिवेट चाबी आदि को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाइप वाइस का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे थे,
पाइप वाइस का इस्तेमाल हम सिलिंड्रिकल जाब को होल्ड करने के लिए किक कर रहे थे। और क्विक रिलीज वाइस में क्या था, क्विक रिलीज वाइस में जल्दी से शीघ्रता से खोलने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, क्विक रिलीज वाइस का इस्तेमाल कर रहे थे। यह विभिन्न प्रकार के वाइस थे, इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाइस के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या था, क्विक रिलीज वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस, टूल मेकर्स वाइस, लेग वाइस, यह हमारे प्रमुख और इम्पॉर्टेंट वाइस थे, यानी वाइस के विभिन्न प्रकार थे। अब आगे आइए हम देखते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या करता है, ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, क्या यह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, आप ज़रूर बताइए। ट्राई स्क्वायर हमारा एक प्रकार का अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यह क्या करता है, यह चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि वस्तुओं को मापने का काम करता है, यानी कि चेक करता है 90 डिग्री पे है कि नहीं है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। कुल मिला जुला कर हम यह कह सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो चेक करता है, नॉट ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या मापता नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ट्राई स्क्वायर क्या है, एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, बस चेक करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई स्क्वायर का हिंदी क्या होता है, गुनिया। गुनिया एक परिशुद्धता मापी यंत्र यानी कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग सतहों की वर्गकारिता, स्क्वायरनेस अर्थात 90 डिग्री कोणों की जांच करने के लिए किया जाता है। मापने के लिए नहीं, जांच करने के लिए नहीं, चेक करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में दिया रहता है वो स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई स्क्वायर यानी कि 90 डिग्री को अगर चेक करना है हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा 90 डिग्री मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्राई स्क्वायर दिया रहेगा, तो बिल्कुल गलत है। जब अगला ऑप्शन दिया रहेगा कि 90 डिग्री को जांच करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा ट्राई स्क्वायर होगा। यह देखिए चित्र में ट्राई स्क्वायर दिखाया गया है। ट्राई स्क्वायर का जो मुख्य पार्ट्स हैं क्या क्या हैं, यह एक स्टाक होता है, इसमें एक ब्लेड लगा होता है, यह 90 डिग्री पे लगा होता है, इसमें एक अंडरकट बना होता है। अंडरकट का काम होता है बर को स्थान देने के लिए। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर में अंडरकट क्यों लगा होता है, अंडरकट लगाने का एक कारण है बर को स्थान देने के लिए। यह हमारा ट्राई स्क्वायर है। देखिए गुनिया द्वारा मापने की परिशुद्धता लगभग 0.002 mm, लगभग 10 mm प्रति लंबाई है, जो कार्यशाला कार्यों के लिए बहुत सही है। गुनिया में समानांतर सतहों वाला ब्लेड लगा होता है, यह स्टाक से 90 डिग्री पर लगाया जाता है। यह जो स्टाक है, स्टाक से ब्लेड कितने डिग्री पर लगा है, 90 डिग्री पे लगाया जाता है। गुनिया को उसके ब्लेड की लंबाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि गुनिया का यानी ट्राई स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन उसके लंबाई के द्वारा किया जाता है, उसके ब्लेड की लंबाई यानी ब्लेड की लंबाई कितनी है, जैसे कि 100 mm, 150 mm, 200 mm, यानी यह क्या है 200 mm, ब्लेड की लंबाई है। ब्लेड की लंबाई के द्वारा ट्राई स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन हम करते हैं। 90 डिग्री कोणों की जांच करने के लिए 90 डिग्री कोणों को जांच करता है। देखिए चित्र में दिखाया गया है यह 90 डिग्री की क्या कर रहा है, 90 डिग्री की जांच कर रहा है कि हमारा वर्क पीस 90 डिग्री में है या नहीं है। यह देखिए यह क्या कर रहा है, चित्र नंबर 3 में दिखाया गया है, समतलता की जांच कर रहा है, यानी कि यह जो वर्क पीस है पूरी तरह से समतल में है कि नहीं, या बीच में कहीं पे वेवनेस है। यह क्या कर रहा है, चित्र नंबर 4 में कार्य के किनारों पर 90 डिग्री रेखा अंकित करना, यह क्या कर रहा है, वर्क पीस पर 90 डिग्री को बना रहा है, वर्क पीस पे 90 डिग्री के साथ प्रिक पंच या डार्ट पंच की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं। कार्य को समकोण पर सेट करने के लिए कार्य को क्या कर रहा है, यह 90 डिग्री पे सेट कर दे रहा है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाए गए हैं, इस पे क्या कर रहा है, इस पे भी देखिए चित्र नंबर 5 में भी ट्राई स्क्वायर के उपयोग को दिखाया गया है। जितने चित्र हैं ट्राई स्क्वायर का उपयोग दिखाया गया है कि ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर की सहायता से स्क्वायरनेस की जांच करते हैं हम, समतलता की जांच यानी कि फ्लैटनेस की जाँच कर रहे हैं, और 90 डिग्री की जाँच कर रहे हैं। यही जो है हमारा ट्राई स्क्वायर का फिगर है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि ट्राई स्क्वायर का काम क्या होता है, तो ट्राई स्क्वायर का काम जो होता है स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस की जांच करने के लिए, 90 डिग्री की जांच करने के लिए। ट्राई स्क्वायर में ब्लेड कितने डिग्री पे लगा होता है, 90 डिग्री पे लगा होता है। ट्राई स्क्वायर में बर क्यों बनाया जाता है, ट्राई स्क्वायर में जो बर होता है अंडर
अंडरकट क्यों बनाया जाता है? बर्फ को स्थान देने के लिए बनाया जाता है। यही ट्राई स्क्वायर एयर के प्रमुख पार्ट्स ट्राई स्क्वायर के बारे में था। आगे के वीडियो में हम फाइल की चर्चा करेंगे तथा कट्स ऑफ फाइल, कितने प्रकार की फाइल होती है, फाइल के ग्रेड में क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइल, कितने प्रकार की हमारी फाइल होती है, कुछ स्पेशल फाइलों के बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। या जो वीडियो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तथा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो ITI कर रहे हैं, फिटर हों या इलेक्ट्रीशियन के हों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है।